Hello and namaste to all the lovely viewers watching this video. मैं रिचा लेके आई हूँ एक और यूजफुल और इम्पॉर्टेंट कैंडल मेकिंग वीडियो आप सबके लिए. दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो जिसमें मैंने कैंडल बिजनेस में किन किन मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है जो आपको दिखाया था, उसके लिए आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, सो थैंक यू सो मच फॉर इट. और मुझे काफ़ी मैसेजेस आए कि मैम कैंडल पैकेजिंग के ऊपर कोई वीडियो बनाइए. सो उसी रिक्वेस्ट के तहत मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियो, कैंडल पैकेजिंग किस तरह से की जाती है, उसका एक वीडियो लेके आई हूँ आप सब के लिए. सो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी डिटेल में रहेगा जिसमें आप कैंडल की डिज़ाइनर पैकेजिंग और कैंडल की बेसिक पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ में कैंडल शिपिंग में किन किन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है, किन किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना पड़ता है कैंडल शिप करते वक्त, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए. और उससे पहले, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और अगर आपको सारे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस चाहिए तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें. सो दोस्तों, शुरू करते हैं कैंडल पैकेजिंग के बारे में जानना. तो सबसे पहले, जब कैंडल हमारी बन के रेडी हो जाती है इस तरीके से, तो उसकी बेसिक पैकेजिंग करना बहुत ज़रूरी है. सो बेसिक पैकेजिंग के लिए या तो हम इस तरीके का क्लिंग फॉइल यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था. ये पूरा रोल आता है इसका, छोटा बड़ा जैसा आपको चाहिए. उसके अलावा इस टाइप की शीट्स होती हैं, प्लास्टिक शीट्स, जो किसी भी स्टेशनरी शॉप में आपको मिल जाएंगी, इसका आप यूज़ कर सकते हैं. तो इन दोनों में से किसी का भी यूज़ करके आपको बेसिक पैकेजिंग करनी है. तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक पैकेजिंग एक कैंडल की करके बताती हूँ. ये कुछ कैंडल्स मैंने रखी हुई है यहाँ पे. सपोज़ इस कैंडल की मुझे बेसिक पैकेजिंग करनी है. सबसे पहले मैं क्लिंग रैप से करके बताती हूँ आपको. ये इस तरीके का क्लिंग रैप आता है. अपनी कैंडल को आप ऐसे रखिए और जस्ट रिंकल्स आए बिना इसे रोल कीजिए. दैट्स इट. बहुत ही इजीली ये पैक हो जाता है. और मेरी कैंडल पैक हो गई. अब एक बार आपकी कैंडल पैक हो जाए, उसके बाद आपका जो भी लेबल है कैंडल्स का, वो आप लेबल, प्राइस टैग, सारा कुछ कैंडल के साइड्स में या फिर यहाँ पे पीछे आप लगा सकते हैं. सो ये एक बेसिक पैकेजिंग क्लिंग फॉइल से हो गई. आइए अब जानते हैं कि इस टाइप के प्लास्टिक रोल से हम पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं. जितना आपको प्लास्टिक रोल चाहिए उतना कट कर लीजिए. और ऐसी कोई भी कैंडल लीजिए आप, और या तो आप इसे जैसे हमने क्लिंग फॉइल से पैक किया था वैसे पैक कर सकते हैं, या इस टाइप से आप चॉकलेट पैकेजिंग भी कर सकते हैं. और मैं इसे क्लोज करूंगी सैटिन रिबन से. तो ये बेसिक आपकी डिजाइनर पैकेजिंग हो जाती है. ये हो गई प्लास्टिक रैप से. अब दोस्तों, अगर आपको जेल कैंडल या फिर इस टाइप की फ्लोटिंग कैंडल्स की पैकेजिंग करनी है तो वो कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ. तो दोस्तों, इस टाइप की फ्लोटिंग और जेल कैंडल की भी मैं क्लिंग रैप से ही पैकेजिंग करूंगी. क्लिंग रैप बहुत ही इजीली इससे पैक हो जाती है कैंडल्स विदाउट एनी हैजल.
इस टाइप से मैंने पैक किया और इसी तरीके से मैं जेल कैंडल को भी पैक कर लूँगी। ये बेसिक पैकेजिंग आपको हर कैंडल के लिए करना ज़रूरी है। ये हो गई मेरी बेसिक क्लिंग फॉइल की पैकेजिंग। सो दोस्तों, एक बार मैंने मेरे कैंडल्स की बेसिक पैकेजिंग कर ली क्लिंग फॉइल और प्लास्टिक रैप से, किसी से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपनी कैंडल्स को प्रेजेंट कैसे करना है। सो प्रेजेंटेशन के लिए या फर्दर पैकेजिंग के लिए आप इस टाइप के पाउचेज आते हैं, प्लास्टिक पाउचेज, ये यूज़ कर सकते हैं या तो फिर इस टाइप की पोटलीज आप यूज़ कर सकते हैं। ये पोटलीज आपको अलग अलग साइज़ में, अलग अलग कलर में और डिफरेंट शॉप्स में मिल जाएंगी, स्टेशनरी शॉप्स में या गिफ्ट शॉप्स में। सो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, सपोज़ मैंने ये एक जेल कैंडल ली और सिंपली मैंने पोटली में डाल के इसको क्लोज कर दिया और ये किसी को भी गिफ्ट देने के लिए रेडी है। बट इस टाइप की पैकेजिंग आप तभी यूज़ करेंगे जब आप लोकली किसी को ये कैंडल्स गिफ्ट कर रहे हैं। अगर आप ये इंटर सिटी या शिपमेंट में भेज रहे हैं कैंडल्स, तो उसके लिए आप हमेशा बॉक्सेस का यूज़ करें, जो मैं आगे बताने वाली हूँ वीडियो में कि किस टाइप के बॉक्सेस का हमको यूज़ करना है, डिज़ाइनर प्लस बेसिक बॉक्सेस। उसी तरीके से ये कैंडल मैंने ली और इस टाइप के प्लास्टिक पाउच में डाल के इसको जिप लॉक कर दिया। बट ये काफ़ी बेसिक पैकेजिंग है और ये थोड़ी सी डिज़ाइनर पैकेजिंग हो जाती है। इस टाइप की पोटलीज आपको 4 to 5 rupees से लेके 10 to 15 rupees तक के अवेलेबल हैं मार्केट में, अलग अलग शॉप्स में, गिफ्ट शॉप्स में। मैं अपनी सारी पोटलीज मुंबई में होलसेल मार्केट, जो क्रॉफर्ड मार्केट है, वहीं से मैं परचेज करती हूँ। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप होलसेल मार्केट जो भी आपकी सिटी में है, वहीं से आप ये सारे पैकेजिंग मटेरियल आप परचेज कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगी और वैरायटी भी काफ़ी मिल जाएगी। दोस्तों, पैकेजिंग में अगला आता है पेपर बैग्स। तो पेपर बैग्स या तो आप रेडीमेड मार्केट से ख़रीद सकते हैं या फिर पेपर बैग्स आप खुद भी बना सकते हैं। पेपर बैग्स बनाना बहुत ही आसान है। आप डिफरेंट टाइप के पैटर्न पेपर्स लीजिए या डिफरेंट टाइप के कार्ड स्टॉक पेपर लीजिए या फिर टिंटेड पेपर लीजिए और आप इस टाइप के ब्यूटीफुल पेपर बैग्स खुद ही बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो इसका भी, पेपर बैग का भी वीडियो मैं शेयर करूंगी अपने अगले वीडियो में, ताकि आपके लिए आसान रहे। ये मैंने सारी खुद ही बनाई हुई हैं घर पे पैटर्न पेपर का यूज़ करके, और इस पर कुछ फ्लोरल फ्लावर्स मैंने लगाए हुए हैं और सैटिन रिबन से इसके हैंडल्स इस तरीके से बनाए हुए हैं। तो देखिए, ये मैंने जो लास्ट क्लिंग रैप से पैक की थी मेरी कैंडल, उसको मैं सिंपली अपने पेपर बैग में इस तरह से डाल के जस्ट सिंपली मैं किसी को भी गिफ्ट कर सकती हूँ। तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल ऑप्शन है। ये एक पेपर बैग आसानी से आपको 5 to 10 rupees में बन के आपकी रेडी हो जाएगी। सो इस टाइप के पेपर बैग्स दिखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं और गिफ्टिंग के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी पेपर आप यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा थिक और स्टर्डी पेपर होना चाहिए। अगर आप पतला पेपर लेंगे तो आपकी पेपर बैग फट सकती है, क्योंकि कैंडल का वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा थिक पेपर ले इस टाइप की पेपर बैग्स बनाने के लिए। तो ये तो हो गई अगर आपको अडल्ट्स को गिफ्ट करने हैं। अगर आपको बच्चों को कैंडल्स गिफ्ट करने हैं, जैसे आप किड्स कैंडल्स बना रहे हैं, जो कि इस टाइप की मैंने वाटरमेलन कैंडल बनाई थी, या फिर एक
कपकेक कैंडल बनानी है। तो ये कुछ किड स्पेसिफिक कैंडल्स हैं, इसमें काफ़ी वैरायटी आती है। जैसे डेकोपाज कैंडल्स भी आप बच्चों की बना सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टिश्यू नैपकिन्स। तो इस टाइप के कैंडल्स अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैंने किड्स के लिए अलग पेपर बैग्स बनाई हुई हैं। जैसे ये हो गई एक यूनिकॉर्न की पेपर बैग है, या फिर अगर थीम बेस्ड पार्टीज़ हैं और प्रिंसेस की थीम है तो इस टाइप का मैंने प्रिंट आउट लिया प्रिंसेस का और पेपर पे बैग पे स्टिक किया। अगर बॉयज़ का है तो इस टाइप के सुपर हीरोज़ की पेपर बैग हो गई, या फिर अगेन ये प्रिंसेस की है, बैटमैन हो गया, देन सुपरमैन, अगेन प्रिंसेस, सोफिया और मर्मिट। तो इस टाइप के बच्चों की जो थीम बेस्ड बर्थडे पार्टीज़ होती हैं तो उसमें अगर आपको कैंडल्स बना के किसी को गिफ्ट करनी है एज रिटर्न गिफ्ट, तो आप इस टाइप के बैग्स खुद ही घर पे बना सकते हैं और इसमें आप अपनी कैंडल्स पैक कर सकते हैं। सो मैंने ये मर्मिट का लिया और ये एक छोटी सी कपकेक कैंडल है जो मैंने इसमें डाली। और इसके साथ में आप जो भी कुछ और रिटर्न गिफ्ट क्लब करना चाहते हैं, सोप्स हो गया या स्टेशनरी आइटम्स हो गया, ये ऐसी पेपर बैग्स में आप क्लब करके आसानी से बच्चों को दे सकते हैं। और यकीन मानिए बच्चों को इस टाइप के गिफ्ट्स हैंडमेड बहुत पसंद आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है क्योंकि आपको थीम बेस्ड एग्जैक्ट बैग्स मार्केट में नहीं मिलेंगी जैसा आपको चाहिए। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इस टाइप के बैग्स, पैकेजिंग बैग्स खुद ही घर पे बनाएं। तो ये पेपर बैग्स एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं बास्केट पैकेजिंग पे या फिर हैम्पर पैकेजिंग पे। तो अगर आपको एक से ज़्यादा कैंडल्स का हैम्पर बनाना है तो आप उस टाइप के पैकेजिंग में इस ऐसी बास्केट्स का यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ प्लास्टिक के गोल्डन सिल्वर बास्केट्स हैं जो कि मैंने अगेन होलसेल मार्केट से ली थी। इस टाइप के कुछ केन की बास्केट्स आती हैं छोटे बड़े अलग अलग साइजेस में। ये भी एक केन की बास्केट है विथ गोल्डन वर्क। तो इस टाइप के अलग अलग टाइप की बास्केट्स आपको होलसेल मार्केट में मिल जाएंगी। ये एक डिस्पोजेबल छोटी कटोरी है जो मैं अगेन हैंडी रखती हूँ। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर पैकेजिंग नहीं चाहिए, सिंपल पैकेजिंग चाहिए कम कॉस्ट में, तो इस टाइप के डिस्पोजेबल बाउल्स भी मैं पैकेजिंग के लिए रखती हूँ। तो इसमें आप किस तरीके से पैकेजिंग कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले ये मैंने गोल्डन ट्रे लिया और इसमें मेरी एक रोज बॉल कैंडल रखी। इसके साथ क्लब करते हुए कुछ फ्लोटिंग कैंडल्स रखी मैंने। और साथ ही साथ में एक जेल कैंडल और एक और फ्लोटिंग कैंडल। तो ये मैंने सिर्फ एग्जांपल आपको बताया कि इस तरीके से अगर आप हैम्पर बनाते हैं एक से ज़्यादा कैंडल्स का तो साइज़ के अनुसार आप ऐसे बास्केट्स यूज़ कर सकते हैं। अब या तो आप इसको ऊपर से क्लिंग फॉइल से रैप कर दीजिए और उसके बाद इसको फर्दर पैकेजिंग कीजिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमने क्लिंग रैप लिया और इसको कम्प्लीटली पैक कर दिया। थोड़ा ऊपर कर लीजिए, हाँ परफेक्ट। तो इस तरीके से मैंने एक बेसिक पैकिंग कर ली क्लिंग फॉइल से ताकि मेरी कैंडल्स हिले नहीं। अगर मैं इन्हें भेज रही हूँ शिपिंग में तो इससे क्या है, मेरी कैंडल्स हिलेंगी नहीं और अपनी जगह पे फिक्स रहेंगी। सो ये बेसिक मैंने पैक किया। उसके बाद इस टाइप के मेरे पास बताती हूँ आपको, ऊपर कर लो थोड़ा सा। इस टाइप के मेरे पास नेट का क्लॉथ है जो कि पैकेजिंग में ही यूज़ होता है।
ये भी अलग अलग कलर्स का अलग अलग साइज़ का आपको मिल जाएगा। हैम्पर पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है ये। मैंने अपनी बास्केट रखी इसके बीचों बीच और सिर्फ मुझे इसकी स्ट्रिंग्स पुल करनी है ऐसे। सो ये बहुत ही प्यारा एक बो के जैसा बन गया। और मुझे इसे टाई करना है सिंपली। तो ये सारी कुछ बेसिक मटेरियल है जो आपको डिज़ाइनर पैकेजिंग के लिए यूज़ होते हैं और आपको हैंडी रखनी चाहिए ये सारी चीज़ें। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल सा एक हैम्पर रेडी हो गया कैंडल्स का। तो ये एक टाइप की डिज़ाइनर पैकेजिंग है जो हम ऐसे ट्रेज या बास्केट्स में कर सकते हैं। उसी तरीके से ये जो मैंने आपको बताया डिस्पोजेबल कटोरी और इस टाइप की केन बास्केट्स, इसमें भी आप सिमिलर काइंड ऑफ पैकेजिंग कर सकते हैं। दो या तीन कैंडल्स की ये बास्केट है तो उतनी कैंडल्स इसमें रखिए और इसमें आपको छोटी दो तीन फ्लोटिंग कैंडल्स की साइज़ की ये कटोरी है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के आप साइज़ और शेप्स में बास्केट्स यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं इस टाइप के डिज़ाइनर बॉक्सेस पे। तो ये कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइनर बॉक्सेस हैं, जैसे ये गोल्डन में है, सिल्वर में है और ये कुछ बेबी शार स्पेसिफिक बॉक्सेस हैं। तो ऐसे बॉक्सेस का भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने कैंडल्स को पैक करने के लिए। ये कुछ दो कैंडल्स, दो से तीन छोटे फ्लोटिंग कैंडल्स का बॉक्स है, ऐसा सिल्वर में है। सो ये इसका अपर पोर्शन है, ये इसका नीचे का पोर्शन है। वैसे ये चार कैंडल का है बॉक्स। इसको सिर्फ सिंपली आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसको फोल्ड करना होता है और फिक्स करना होता है, तो ये बॉक्स रेडी हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा बॉक्स कुछ दब गया था इसीलिए ऐसा हुआ, लेकिन ये इस टाइप का बॉक्स आपका रेडी हो जाता है। सो फोल्ड करने के बाद ऐसा बॉक्स ये रेडी होता है। सो ये चार कैंडल्स का बॉक्स है और ये दो का है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। सिमिलरली ये आपके बेबी शार स्पेसिफिक बॉक्सेस हैं। सो ये बेबी बॉय, बेबी गर्ल ऐसे दो हैं। ये अलग अलग आपको बेबी अनाउंसमेंट के बॉक्सेस या फिर शादी वगैरह के लिए आपको डिज़ाइनर जैसे गोटा या फिर लेस लगे हुए बॉक्सेस चाहिए तो वो सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। इन्हें आप ऑब्वियसली घर पे नहीं बना सकते, तो ऐसे बॉक्सेस आपको ख़रीदने ही पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। तो अगर कस्टमर की ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है पैकेजिंग की तो इस टाइप के बॉक्सेस आप ख़रीद के रेडी कर सकते हैं। सो ये बेबी शार स्पेसिफिक बॉक्सेस है, जैसे मेरी ये दो छोटे से क्यूट बेबी बूट कैंडल्स हैं, मैंने बनाए थे टाइनी। सो इस टाइप के कैंडल्स को मैं ऐसे बॉक्सेस में पैक कर सकती हूँ। डेफिनेटली ये कैंडल्स का साइज़ का बॉक्स ये नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ में मैं एक बेबी शार का सोप और इस टाइप के कैंडल्स को क्लब करती हूँ तो डेफिनेटली उसकी पैकेजिंग में ऐसे बॉक्स में कर सकती हूँ जो दोनों इसमें अकोमोडेट हो जाए। तो इस टाइप के बॉक्सेस, डिज़ाइनर बॉक्सेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है ये कुछ गैल्वनाइज्ड बकेट्स। ये टिन मटेरियल की बनी होती हैं और अगेन ये आपको छोटे बड़े मीडियम हर साइज़ में मार्केट में अवेलेबल हैं। सो ये प्लेन मैंने खरीदी हुई थी जो अभी कुछ बची हुई है। इसमें आपको प्रिंटेड भी मिल जाएंगी, लेकिन मैं यूजुअली क्या है ना कि डेकोपाज वर्क करती हूँ। सो मैं इस टाइप के प्लेन बकेट्स लेके उस पर डेकोपाज वर्क मैचिंग टू माय डेकोपाज कैंडल्स इस टाइप का करती हूँ, तो इसलिए मैं ऐसी प्लेन बकेट्स ही लेना प्रेफर करती हूँ। तो ऐसी कुछ बकेट्स आप ले सकते हैं और अपनी पैकेजिंग इसमें कर सकते हैं। अभी मैंने ये एक सिंपल सी क्रिसमस की मेरी कैंडल बच गई थी, तो ये मैं इसमें रख के आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आपने रखी इसमें, इसको क्लिंग फॉइल से ऊपर से पैक किया और इसमें कुछ रिबन या बो लगा के ये आपकी पैकेजिंग रेडी हो गई। अगेन ये एक जार कैंडल है, तो इस टाइप के जार्स भी आप इसमें रख सकते हैं या कोई भी कैंडल्स जो आपकी इच्छा है उस टाइप के कैंडल्स को आप इसमें रख के पैकेज कर सकते हैं। ये मैंने सिंपली आपको बताया कि इस टाइप की साइज़ के कैंडल के साइज़ के हिसाब से ये बकेट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये आपको
40 से 50 रुपीज़ से लेके 100 to 120 रुपीज़ तक इसकी कॉस्टिंग है होलसेल मार्केट में। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो भी पैकेजिंग मटेरियल खरीदे वो होलसेल मार्केट से ही खरीदे, बिकॉज वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर पैकिंग। सो फ्रेंड्स, ये तो था कि आप इंडिविजुअली कैंडल्स को किस टाइप से पैकेज कर सकते हैं, अलग अलग बास्केट्स, पोटलीज या ट्रेज में। अब देखते हैं कि अगर आपको कैंडल इंटर सिटी या इंटर स्टेट या ऑल ओवर इंडिया शिपिंग करना है तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस टाइप के बबल रैप की आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज बेसिक पैकेजिंग के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कैंडल को ऐसे बबल रैप में कम्प्लीटली रैप करें ताकि वो सिक्योर हो जाए कम्प्लीटली, और शिपिंग के वक्त वो कैंडल हिल डुल के टूटने फूटने का डर ना रहे। सो इस टाइप का बबल रैप भी आप हैंडी रखिए, बड़ा रोल आता है इसका। सो ये आप होलसेल मार्केट से ख़रीद सकते हैं। ये एक शीट है जो कि मैंने आपको दिखाने के लिए रखी हुई थी, और मेक श्योर कि ये पतला आप ना यूज़ करें, थोड़ा सा थिक यूज़ करें, क्योंकि जितना थिक रहेगा उतनी सेफ आपकी कैंडल रहेगी पैकेजिंग में। उसके अलावा दोस्तों, इस टाइप के कुछ ब्राउन टेप्स और वाइट टेप्स पैकेजिंग में यूज़ होती हैं। ऐसे बॉक्सेस हम सबके घर पे रहते हैं जिसमें हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या फिर इस टाइप के बॉक्सेस में कोई भी चीज़ें हमारे घर पे आती हैं, तो मेक श्योर आप इस टाइप के बॉक्सेस को फेंकिए मत, बिकॉज ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, थिक क्वालिटी के रहते हैं। स्पेशली अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के बॉक्सेस या इस टाइप के भी लोकल प्रोडक्ट्स आपने अगर कुछ खरीदे हैं तो ये बॉक्सेस काफ़ी स्टर्डी रहते हैं। तो ऐसे बॉक्सेस अलग अलग साइज़ में मैं मेरे पास हैंडी रखती हूँ, और ऐसे बॉक्सेस में आपको कैंडल्स पैक करना आसान हो जाता है। और अगर आप छोटे बॉक्सेस में कैंडल पैक भी कर रहे हैं तो भी उसको फर्दर पैकेजिंग के लिए इस टाइप के बड़े बॉक्सेस को आपको रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत सेफली फिर शिपिंग के वक्त आपकी कैंडल कस्टमर तक पहुँचती है। तो ये कुछ छोटे अलग अलग साइजेस के बॉक्सेस हैं इस टाइप के। ये देखिए, इसके अंदर का जो बबल रैप या फिर जो भी पैकिंग मटेरियल रहता है मैं उसे भी कभी नहीं फेंकती हूँ, बिकॉज पैकेजिंग में ये सारी चीजें आपको काम आती है, क्योंकि थर्माकोल अभी बैन हो चुका है। तो थर्माकोल के एब्सेंस में ये सारा जो पैकेजिंग मटेरियल है ये काफ़ी काम में आता है। मैं इसी तरीके से आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से, ये देखिए, ये बड़े बड़े अमेज़ॉन के बॉक्सेस हैं जो मैंने काफ़ी मेरे फ्रेंड्स से भी कलेक्ट किए हुए हैं, और ऐसे बॉक्सेस मैं हमेशा अपने स्टूडियो में हैंडी रखती हूँ ताकि इस टाइप के बॉक्सेस ऑर्डर के हिसाब से यूज़ में मैं ला सकूँ। सो दोस्तों, ये तो थी जानकारी सारी पैकेजिंग के बारे में। आइए अब जान लेते हैं कि कैंडल्स जब हम शिप करते हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आता है कि आप जिस किसी कुरियर से या पोस्टल सर्विस से अपना पैकेजिंग अपने कैंडल्स को शिप कर रहे हैं, उन सारे कुरियर्स में से आप कंपेयर कर ले कि कौन सा कुरियर आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ रहा है, और जो भी कुरियर आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव है उनके रेट्स एक बार आप चेक कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे कुरियर्स हैं जो थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं जब आप कैंडल का बिजनेस करते हैं, तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। तो आप एक बार चेक कर ले, कंपेयर कर ले सारे रेट्स। मैं जनरली पोस्ट ऑफिस से ही मेरे सारे कुरियर्स भेजती हूँ, क्योंकि उनके रेट्स काफ़ी रीजनेबल और नॉमिनल हैं विद इन द स्टेट और इंटर स्टेट भी, तो और एक बहुत रिलायबल सर्विस हो जाती है पोस्ट ऑफिस की। सो मैं पर्सनली अपने सारे कुरियर्स वैसे ही भेजती हूँ। इसके अलावा कुछ कुरियर सर्विसेज हैं जिनसे मैंने टाई अप भी कर रखा है, तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, कुछ प्राइवेट कुरियर से टाई अप करके उनसे भी आप अपने शिपमेंट भेज सकते हैं। और जब भी आप अपना शिपमेंट भेजें तो वो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ भी आप किसी भी शहर में जहाँ आप अपनी कैंडल्स भेज रहे हैं एक बार चेक कर ले कि वहाँ पे उस कुरियर की, पर्टिकुलर कुरियर की सर्विस है या नहीं। बिकॉज़ क्या होता है कि कई बार हम छोटे कुरियर से भेजते हैं अपने पार्सल को और उनकी सर्विस उस पर्टिकुलर शहर में, अगर छोटी जगह है, गांव हो या कस्बा है, तो वहाँ पे उनकी सर्विस नहीं होती है।
तो इस केस में आप पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एक बहुत ही रिलायबल मेथड हो जाता है शिपमेंट के लिए। और अगर प्राइवेट कुरियर से भेज रहे तो चेक कर ले उनके पिन कोड से कि वो वहाँ पे उनकी सर्विस है या नहीं उस पर्टिकुलर कुरियर की। इसके अलावा आप मेक श्योर कीजिए कि आपकी कैंडल्स टाइमली कस्टमर के पास डिलीवर हो जाए। एक कुरियर कंपनी से एक टैग पूछ लीजिए कि कितने दिन में वो डिलीवर करेंगे, और उसके हिसाब से कॉन्टैक्ट नंबर्स आप ले लीजिए उस पर्टिकुलर कुरियर का, दोनों शहर में जहाँ से आप भेज रहे हैं और जहाँ पे आप भेज रहे हैं, तो ताकि आपको फॉलोअप करने में आसानी होगी और कस्टमर को भी टाइमली सर्विस मिलेगी, तो कस्टमर भी हैप्पी होते हैं इस टाइप की चीज़ों से। सो मेक श्योर कि आप एंड टू एंड जो भी आप बिजनेस करें तो एंड टू एंड आपको कस्टमर को सर्विस देना बहुत ज़रूरी है। सेफ तरीके से बिना टूटे फूटे टाइमली डिलीवरी होना कैंडल्स की बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आप अपने कुरियर वाले से एक रेट का जो उनका प्राइस का कार्ड है वो लेके रख लीजिए, ताकि कभी भी आपको इंक्वायरी आती है कस्टमर से शिपिंग के बारे में, शिपिंग चार्जेस के बारे में, तो आप कस्टमर को तुरंत बता सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर लोकेशन का इस वेट के हिसाब से शिपिंग चार्जेस है। तो आपके लिए भी ईजी हो जाता है और कस्टमर के लिए भी बहुत क्लियर हो जाता है ये। तो दोस्तों ये था कुछ शिपिंग और पैकेजिंग के बारे में कुछ जानकारी थी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक थम्स अप दे दीजिए, और आगे इस तरह के यूज़फुल वीडियो के लिए देखते रहिए एनचैंटिंग लाइट्स। मैं अपने फेसबुक पेज की लिंक, इंस्टाग्राम पेज की लिंक शेयर कर रही हूँ, तो आप वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कैंडल मेकिंग कोर्सेज के लिए। सो चेक कर लीजिएगा एक बार, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं सारी पैकेजिंग मटेरियल की लिस्ट दे दूंगी, ताकि आपके लिए आसानी रहे उसे रेफर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।